मैं संजय चड्ढा शुरुआत आपसे कर रही हूं। कांग्रेस पहुंची है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बड़े सख्त किस्म के आरोप लेकर पहुंची है। हेट स्पीच का आरोप है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट का आरोप है और ईसीआई के पाले में गेंद है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है हेट स्पीच का, जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन तक की मांग है, ये आरोप जायज है या पॉलिटिकल वेंडेटा? देखिए, जायज या पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं, ये तो कंप्लेंट के सारे तथ्य बताएंगे। मैं दो तीन प्रोविजन, आपने अपने प्रारंभिक उद्घोषण में कहा उसी को सपोर्ट करते हुए, उसी बात को बताते हुए थोड़ा उल्लेखित करने का प्रयास करूंगा। सेक्शन 123(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। देखिए, जो सारा प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के, आपने कई जजमेंट बताए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खुलासे के साथ कहा है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है ये एक सेकुलर प्रोसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और किसी जो 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 रिलीजन है वो पर्सनल फेथ की बात, ये हम सबको पता होना चाहिए और इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आ जाता हूं मैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के 123 सब क्लॉज 3 में सेक्शन बहुत अहम है, बहुत खुलासे के साथ लिखा है कि रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इसके आधार पे यदि वोट मांगा या उससे किसी भी, अगर इस ग्राउंड से किसी तरीके से फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड फैलती है अगर, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए बार कर दिया जाएगा 6 साल के लिए। वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस होंगी। अब आ जाता हूं, एक जजमेंट था 2017 में आया था वो सुप्रीम कोर्ट का, और उस जजमेंट का नाम अभिराम सिंह जजमेंट का नाम था। उस जजमेंट में बहुत खुलासे के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलीजन का नाम लेके वोट मांगना अपना रिलीजन के नाम पे, या फिर जो सुनने वाले हैं या वोटर्स हैं उनके रिलीजन के नाम पे वोट मारना 123(3) जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। और आपने एक तो ये बड़ी बात हो गई, तो 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन का है। और इसके अलावा जो एमसीसी की आपने बात की, एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके लिए कोई रिटन लॉ नहीं है। आपने वेबसाइट का भी बताया, कोई लॉ से बैकिंग नहीं है एमसीसी की, लेकिन हमने पिछले 30-40 साल में खास तौर से देखा कि एमसीसी को बहुत सख्ती से इलेक्शन कमीशन ने फॉलो करा। अब एमसीसी में भी ये बात बड़ी परिपक्व रूप से रखी हुई है कि रिलीजन का आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो संजय चड्ढा, मेरे दर्शकों की सहूलियत के लिए मुझे बता दीजिए कि जो बयान है जो पब्लिक डोमेन में है आज की तारीख में, वो बयान हेट स्पीच के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा, या कांग्रेस नाजायज शिकायत लेकर पहुंच गई? देखिए, अब ये तो इस पे जजमेंट आने की बात है। जो जजेस हैं वो बताएंगे क्या ये हेट स्पीच में आता है कि नहीं। वाजपेयी जी हंस रहे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूं। क्या ये तो इस पे कोई सेटल लॉ नहीं है, इस पे कोई, ये तो प्रेरोगेटिव है उस अथॉरिटी का जिसके समक्ष नहीं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे अपने चुनावी कैंपेन में, संजय चड्ढा, उद्धव ठाकरे अगर अपनी चुनावी कैंपेन में जय भवानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस दे देता है? देखिए, अगर वहां पे जय हनुमान के समानांतर ही है तो ये भेदभावपूर्ण है। ये चीज को बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। ये चीज अगर कोई जय हनुमान कह रहा है या जय भवानी कह रहा है, मुझे तो दोनों चीजें बराबर लगती हैं, दोनों में बिल्कुल। और यहाँ पे अगर जय हनुमान पे नोटिस नहीं दिया गया और जय भवानी पे दिया गया है तो ये गलत है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रति पूरी मशीनरी अनसुरेबल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके प्रति अनसुरेबल है? अगर इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्रिमिनेट करता है, फर्ज कर लीजिए, तो वो किसके लिए अनसुरेबल? तो उनको उसकी शिकायत आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगा कि अपने सही काम को कर लिया आप, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी कर सकते हैं, अर्थात एक हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। ठीक है संजय चड्ढा, तो आप हालांकि ये बताने से बच रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर बयान का मैं जिक्र कर रही हूं, जिस पर कांग्रेस पहुंच गई, इसी
ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो हेट स्पीच में है या नहीं है? लेकिन नहीं, अगर आप मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे मैं उसको बता सकता हूं, लेकिन ये पर्सनल ओपिनियन क्या सब जगह पे सब लोग इसको स्वीकार करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ लोग इसका विरोधाभास भी हो सकता है। मेरे अपने मैं बताता हूं, जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा हृदय की बात जो मेरे मन में, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है कि हमारा इलेक्शन सेकुलर है, सेकुलर कंट्री में हम रहते हैं, इसके विरोधाभास है। मैंने बता दिया।